मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जा रहा हूँ बताने एक नई चीज है, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम केमिस्ट्री क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं सीरीज में, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एल्कोहल और फिनाइल ईथर, ठीक है। तो अभी टॉपिक एल्कोहल चल रहा है दोस्तों। एल्कोहल में हम पढ़ेंगे यार कि एल्कोहल दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से एल्कोहल दो प्रकार के होते हैं? एक मेथिल एल्कोहल होता है। कौन सा? एक मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। और दूसरा होता है दोस्तों एथिल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। क्या होता है? एल्कोहल। एल्कोहल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? मेथिल एल्कोहल, और दूसरी क्या है? एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो हमको सिंगल वाइज पढ़ना है। हम पहले मेथिल एल्कोहल पढ़ेंगे, उसके बाद एथिल एल्कोहल पढ़ेंगे। मेथिल एल्कोहल क्या होती है? इसको पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। पहले इसको पढ़ेंगे कि मेथिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसको बनाने की विधि क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो डालिए हेडिंग मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल को और क्या कह सकते हैं दोस्तों? मेथेनॉल या कार्बिनॉल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेथेनॉल या कार्बिनॉल। मेथेनॉल कैसे पढ़ा इसका नाम? इसका दोस्तों नाम है मेथेनॉल, IUPAC, IUPAC नामकरण में मेथेनॉल लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है? मेथेनॉल। यदि आप लोग ने IUPAC नामकरण पढ़ा होगा तो जरूर सुना होगा कि मेथेनॉल को मेथेनॉल भी बोलते थे वहां पर, ठीक है दोस्तों। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मेथिल एल्कोहल और मेथेनॉल या कार्बिनॉल। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूं अभी। चलिए, मेथिल एल्कोहल को बना क्या सूत्र होता है? मेथिल एल्कोहल, हम मेथिल एल्कोहल को लिखते हैं दोस्तों मेथिल। मेथिल का क्या सूत्र होता है दोस्तों? CH3। सबको मालूम है मेथिल जो होता है वह CH3 होता है। एल्कोहल का मैंने बतलाया था पहले वीडियो में OH। तो मेथिल एल्कोहल का क्या सूत्र हो जाता है? CH3OH। क्या हो जाता है दोस्तों? CH3OH। इसी को बोलते हैं मेथेनॉल, इसी को बोलते हैं कार्बिनॉल, ठीक है। अब देखो मेथिल एल्कोहल होता है क्या? मेथिल एल्कोहल एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मतलब, मोनो का मतलब वन, डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक, मतलब जैसे मैंने कहा कि CH3CH2OH यह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि इसमें OH ओनली वन लगा होता है। अब जैसे मैंने कहा CH2OH और CH2OH ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बतला दिया था दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा CH2OH और CH2OH और CH2OH ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है दोस्तों? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्यों ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है? क्योंकि इसमें OH हाइड्रोक्साइड की संख्या कितनी है? तीन बार, यहाँ पर दो बार, इसलिए ये मोनो, इसलिए यह डाई या ट्राई या मोनो, क्योंकि इसमें OH ओनली वन लगा है, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक क्या होते हैं मालूम हो गया। इसमें OH की वैल्यू जिसमें बढ़ेगी वह उसमें ट्राईहाइड्रिक डाईहाइड्रिक होगा, ठीक है। तो एक प्रकार का मेथिल एल्कोहल क्या है? मोनोहाइड्रिक, जिसमें OH की संख्या कितनी है? एक है, ठीक है। यह सजातीय श्रेणी का कौन सा सदस्य है? प्रथम सदस्य है। यह सजाती श्रेणी का कौन सा सदस्य? प्रथम सदस्य, ठीक है। पहले इसको भंजक आसवन के लकड़ी द्वारा प्राप्त किया जाता था। भंजक आसवन के लकड़ी के द्वारा प्राप्त किया जाता था मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो मेथिल एल्कोहल धीरे धीरे हम बनाते लगे अब, ठीक है। तो आप लोग मेथिल एल्कोहल का क्या सूत्र होता है मैंने बताया कि CH3OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझाया। अब चलिए हेडिंग डालिए आप लोग मेथिल एल्कोहल।
मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि, मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि डालिए। मेथिल एल्कोहल बनाने की सामान्य विधि है या बनाने की विधि, ठीक है निकालिए। मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि कैसे बनता है मेथिल एल्कोहल, देखो पहला रिएक्शन, इसमें अभिक्रिया होती है, क्या होती है अभिक्रिया। इसे मैंने कहा मेथिल, मैंने कहा CH3 आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, मैंने क्या लिखा मेथिल आयोडाइड प्लस किसकी अभिक्रिया करेंगे। मान लीजिए पहले में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कर रहे हैं क्योंकि हमको मेथिल एल्कोहल चाहिए, CH3 आयो हो गया। अब जैसे मैंने कहा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या गर्म करेंगे इसको, ठीक इसको क्या करेंगे गर्म करेंगे। अब मेथिल आयोडाइड प्लस NaOH इसको हम गर्म करेंगे क्या बनेगा बताओ, क्या बन जाएगा। अब देखो इस पर क्या एक पॉजिटिव होता है, इस पर एक नेगेटिव होता है, इस पर एक पॉजिटिव होता है, इस पर एक नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव अटैक कहाँ करेगा नेगेटिव पर, अब पॉजिटिव अटैक नेगेटिव पर करेगा करेगा। देखो अब CH3OH हो गया यार, क्या हो गया देखो CH3OH ठीक, इससे CH3 कहाँ जुटेगा OH के संग, क्यों क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ मेल होता है, ठीक है। अब देखो Na पर एक पॉजिटिव, I पर एक नेगेटिव, यानी कि प्लस NaI बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मेथिल को हल बना ले कि नहीं, हम मेथिल देखो CH3 मेथिल ऑक्साइड पर हम जब NaOH को गर्म करते हैं तो हमारी बनने वाला जो यौगिक होता है वह मेथिल एल्कोहल और प्लस NaI सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मेथिल एल्कोहल पहले रिएक्शन से बन गया, ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा सभी को आ गया, ठीक है। चलिए दूसरी अभिक्रिया लिखते हैं, आप लोग बनाएंगे इसको, हम लिख देते हैं मेथिल, क्या लिख देते हैं मेथिल ऑक्साइड, मेथिल ऑक्साइड पर AgOH को गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म करते हैं। मेथिल ऑक्साइड को हम जब AgOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है कमेंट में बतलाइए। अभी तो किसी का आंसर नहीं आया है, चलिए हम बतलाते हैं आप लोगों का, चलिए ठीक है। अब उसी तरह इस पर भी एक पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू ये सब मैंने अपने एक वीडियो में बतलाया था शायद, ठीक है, कि फार्मूला सूत्र याद करने की विधि तरीके उसमें आप लोग देख लीजिएगा। आयोडीन पर कितना नेगेटिव होता है एक नेगेटिव, एजी पर एक पॉजिटिव, ओएच पर एक नेगेटिव, पॉजिटिव चाहेगा क्या नेगेटिव क्यों जाना और मैं पॉजिटिव चाहेगा नेगेटिव क्यों जाना, तो CH3OH मेथिल एल्कोहल बना कि नहीं, तो हमारा बनाने की विधि क्या है मेथिल एल्कोहल, क्या बनेगा मेथिल एल्कोहल ही बनाना है, तो किसकी अभिक्रिया करेंगे, ठीक है इसी अभिक्रिया। अब आई प्लस AgI, ठीक है समझ में आया बात कि दो विधि से हम मेथिल एल्कोहल की गणना कर सकते हैं, और भी विधियां है पहले बनाइए इसको, इसको बाद में डालते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। मेथिल एसिटेट के जली विलयन में, मेथिल एसिटेट का सूत्र क्या होता है, तीसरी अभिक्रिया हम करेंगे मेथिल एसिटेट, मेथिल एसिटेट का कोई भी बच्चा सूत्र बतलाए मेथिल एसिटेट, ठीक है CH3COOH, ठीक है CH3COOH को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं एसिटिक अम्ल, क्या कहते हैं एसिटिक अम्ल। अब मेथिल क्या मैंने कहा मेथिल एसिटेट, अब मेथिल इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, यह लग गया तो एसिटिक अम्ल हो गया, अब यहां पर CH3 लग गया तो मेथिल
स्टेट, क्या होगा मेथिल स्टेट, मेथिल हो गया या क्या है एसी टे, तो मेथिल स्टेट हो गया सी एस थ्री सी डबल ओ और सी एस थ्री को मेथिल स्टेट कहते हैं। प्लस इस पर हम एन ए ओ एच की अभिक्रिया कर दे, यानी किसको क्या कर दे गर्म कर दे, तो क्या बनेगा कोई भी बच्चा कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। देखो यहां पर सी एस थ्री ओ एच इसके संग चल जाएगा, मेथिल अल्कोहल तो हमको बनाना ही बनाना है किसी तरीके से, ठीक है। अब क्या बनेगा मेथिल अल्कोहल बन गया तो ये बचा सी एस थ्री सी डबल ओ, उसके बाद यह खत्म हो गया इसके संग जुड़ गया, अब एन ए कहां जाएगा देखो एक मिनट और सुनो। अब सी एस थ्री सी डबल ओ पर एक नेगेटिव चार्ज, प्लस सी एस थ्री पर एक पॉजिटिव चार्ज, प्लस एन ए पर एक पॉजिटिव, ओ एच पर एक नेगेटिव चार्ज, अब यह क्या करेगा एस टी कम, अब इसके संग जुड़ जाएगा, अब यह जुड़ेगा इसके संग, जुड़ा है कि नहीं देखिए जुड़ा है कि नहीं, ये जो एस्टिक है वह जाएगा सोडियम के पास, तो जो इतना बना तो किसके संग जाएगा सोडियम, सोडियम एस्टिक, सोडियम एस्टिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सोडियम एस्टिक, ठीक है सोडियम एस्टिक हो जाएगा, ये मेथिल अल्कोहल बन गया। देखो सी एस थ्री सी डबल ओ पर एक नेगेटिव प्लस सी एस थ्री पर एक पॉजिटिव, अब टूट कर जाएगा, जब टूटेगा तो ऐसे बनेगा क्रिया, बनाना ये आपको समझाया गया इस तरह, टूटता है तब बनता है कोई भी अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको नोट करिए, हो गया। नोट कर लीजिए पहले, ठीक है ये हो गया। अब फोर वाला दोस्तों रिएक्शन कैसे करेंगे, फोर रिएक्शन, फोर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, मेथिल एमीन सी एस थ्री एन एस टू, पहले क्या लिखा मेथिल एमीन सी एस थ्री एमीन सी एस थ्री एमीन, मेथिल एमीन पर नाइट्रस अम्ल या सी एन ओ टू की अभिक्रिया करेंगे, किसकी अभिक्रिया मेथिल एमीन, इसका क्या नाम है मेथिल एमीन, मेथिल नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल कि सी एस थ्री मेथिल एमीन पर नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा करते हैं, किसकी उपस्थिति में करेंगे एन ए एन ओ टू, और इसकी उपस्थिति में हम करेंगे HCl की उपस्थिति में क्या बनेगा, सब लोग बताएं क्या बनेगा। देखो एक मिनट, अभी जो ये है HCl टू टूट जाता है पार्ट में, टू पार्ट में टूट जाता है, एक OH प्लस एक क्या बना OH प्लस NO टू ओ टू, ठीक ऐसे टूट जाता है, ठीक। तो हमारा मेथिल अल्कोहल तो बन गया सी एस थ्री ओ एच बनाते हैं, अब सी एस थ्री ओ एच इससे बन गया, अब प्लस देखो अब एन एन एस टू, अब एक एन दो एन निकल जाएगा बाहर, अब बचेगा एस टू, क्या बचेगा प्लस एस टू ओ, ओके समझ में आया कि नहीं, सबको एकदम आसान है चीजें, ये एन टू है, बहुत स्टूडेंट पूछने का है एन टू, ठीक है इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मेथिल एमीन पर हम नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा क्या करते हैं मेथिल अल्कोहल और एन टू प्लस एच टू ओ बन जाता है दोस्तों, ठीक है। हो गया दोस्तों, अब इसके बाद होता है भौतिक गुण, इसको मिटा दे रहे हैं, भौतिक गुण में क्या होता है यह रंगहीन होता है, यह ज्वलनशील होता है बहुत तरह, यह क्या होता है ज्वलनशील होता है और उदासीन द्रव है, भौतिक गुण
भौतिक गुण में लिखिएगा ज्वलनशील एवं उदासीन द्रव है, ठीक है। मेथिल क्वार एक रंगहीन ज्वलनशील और उदासीन द्रव होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण ठीक है दोस्तों। देखिए रासायनिक गुण में पारा लिखिए मेथिल उपहार पर हम मेथिल उपहार पर हम वायु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करते हैं, किसकी ऑक्सीजन की। अब CH3OH पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया करते हैं तो CO2 हमेशा बाहर निकल जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है CO2 बना देता है, CO2 और पानी बना देता है, तो पानी और H2 बाहर चले जाते हैं, ठीक है। ये पहली अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया लिखो सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। सक्रिय धातु जैसे मैंने कहा मेथिल कुहल, मैंने क्या लिखा मेथिल कुहल पर 2Na की अभिक्रिया, 2Na यानी कि सोडियम। सक्रिय धातु, धातु कौन होता है Na होता है, तो सक्रिय धातु से अभिक्रिया होगा Na से होगा, CH3 और 2Na से अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा CH3, क्या बनेगा CH3ONa प्लस प्लस H2 बनेगा, ठीक है। CH3O और Na और प्लस H2 बाहर निकल जाएगा, समझ में आया। 2 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी 2, 2CH3 2CH3 और 2Na 2Na कंप्लीट है रिएक्शन, ठीक है। तो नोट डाउन करिए, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे एस्टिक अम्ल से अभिक्रिया, क्या करेंगे आज एस्टिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। तीसरा जो है एस्टिक अम्ल से अभिक्रिया करिए। एस्टिक अम्ल का कौन सा बच्चा बताया क्या सूत्र क्या होता है CH3COH एस्टिक अम्ल का हो गया, आप प्लस मेथिल क्वार की अभिक्रिया करेंगे इस पर एस्टिक अम्ल से अभिक्रिया। एस्टिक अम्ल CH3COH होता है और CH3OH की अभिक्रिया करते हैं इसकी उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनेगा देखो CH3 हो गया CO हो गया, फिर यहाँ पर इस पर अभिक्रिया होगा CH3 मेथिल एस्टेट बन जाएगा प्लस क्या बनेगा H2O पानी बन जाएगा, ठीक है समझ में आया। अब क्या होगा अब लिखिए ग्रिगनार्ड अभिक्रिया, ग्रिगनार्ड अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम आते हैं एस्टिक अम्ल से अभिक्रिया हो गया आप लोगों का, एस्टिक अम्ल प्लस CH3OH से क्या करेंगे तो बनेगा मेथिल एस्टेट बनेगा, क्या बनेगा मेथिल एस्टेट और H2O। उसके बाद हेरिन डालना आप लोग ग्रिगनार्ड अभिक्रिया, ग्रिगनार्ड अभिक्रिया MgBr से होता है मालूम है सबको, तो मेथिल अल्कोहल पर हम CH3MgI से, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा रिएक्शन में MgI का, जब भी ग्रिगनार्ड अभिक्रिया आएगा MgI CH3MgI की अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो CH3MgI की अभिक्रिया करेंगे देखो क्या बनता है CH4 बन जाता है, CH4 बन जाता है और CH3O MgI एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है CH4 बन जाता है, ठीक है। इसको हम ग्रिगनार्ड अभिक्रिया कहते हैं। अब डालो हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया क्या होती है जैसे हम मेथिल कुहल दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलो दिखाई दे रहा है। मेथिल कुहल पर हम HCl की अभिक्रिया करते हैं, किसकी अभिक्रिया करते हैं HCl की। अब बनेगा क्या देखो, अब मेथिल HCl बनेगा, मेथिल अब देखो इस पर एक नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा मेथिल क्लोराइड प्लस HCl क्या बनेगा H2O बनेगा H2O समझे। अब किसी की अभिक्रिया करा सकते हैं, एक यहाँ पर दिखाई नहीं देगा चलो ऊपर दिखा देते हैं। अब इसे मैंने कहा CH3OH पर HBr की अभिक्रिया करा देते हैं, किसकी अभिक्रिया HBr की अभिक्रिया, तो बनेगा क्या CH3Br प्लस क्या बनेगा H2O, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतने तक आप लोग रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है मेथिल क्वार का, मेथिल क्वार बनाने की विधि क्या है
मिथिल कोहाल की रासायनिक गुण क्या, भौतिक गुण क्या, इसका उपयोग क्या है, सब चीजें आपने देखा। इसका उपयोग वही होता है इसके मिथिल कोहाल बनाने में यूज होता है और बहुत से प्रोडक्ट में क्या किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने, तब तक इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री की मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच। इट वीडियो